सिंह जसोवाल तुम देख रहे हो पंजाब केसरी जगबाणी। सब तो पहले तुम तस्वीर दिखाइए कि आज एड्डा बड़ा इकट्ठा जिहड़ा क्यों मतलब होया वा एजुकेशन बोर्ड के सामने वड्डा इकट्ठा जिहड़ा तुम देख रहे हो जिस दे विच बहुत सारे नौजवान बहुत सारे बजुर्ग किसान जथेबंदियां ते बहुत सारे होर लोग ने इत्थे पहुंचे ने। तुम दिखाइए कि लखा सधाणा भी इत्थे पहुंचा ते बहुत सारे होर जिहड़े लोग ने वह भी पहुंचे ने ते तस्वीरां राही तुहानूं दिखा रहे हां ते जिथे तक तुहाडी निगाह जांदी आ कि लोग इस धरना प्रदर्शन के विच शामिल होए ने ते लखा सधाणा दे नाल गल करदे आ कि वह इस बाबत की कहिंदे ने। लखे वीर किदां वेखदे हो कि जिहड़ा धरना प्रदर्शन किया गया किन्ना असर पैंदा इस ते? देखो भाई असी तो लेट जागते हैं यार, सानू तो पहला जागना चाहिए। 92 तो लैके साढ़े जवाकों किहो जिहा इतिहास पढ़ाया गया जिदे विच साढ़े गुरुआं नू लटेरे चोर डाकू कातल तक दस्या गया, इतिहास नू इतिहास ते इतिहास नू इतिहास बना के पेश किया जा रहा। तो असी तो अज जागे 30 साल बाद, पर जिम्मेवार कौन ने जिन्हां ने लगातार इत्थे राज भाग माणिया पंजाब दे विच? कालियां दी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, सिक्ख्या मंत्री जिम्मेवार ने, सरकार जिम्मेवार ने, उन्होंने तो पता सी भाई जो किताबां बनिया ने किताबां लिखण वाले कौन ने, केसी रोड़े वर्गे कौन ने, एमपॉल वर्गे कौन ने, सोढ़ी वर्गे कौन ने, प्रोफेसर मनजीत सिंह वर्गे कौन ने, इन्हां बंदियां ने किताबां लिखिया ने। सो लगातार भाई ये बहुत बड़ा हमला जिहड़ा पंजाब के खिलाफ सिक्खी सिद्धांतों के खिलाफ सिक्खी नूं खोरा जिहड़ा ला रहे ने, सिख इतिहास नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया जा, निशानियां खत्म कीतियां जा रही ने। अगला हमला देखो पंजाब दे उत्ते भाई भाखड़ा व्यास प्रबंधक बोर्ड आ जिहड़ा उहदे विच्चों किमें इन्होंने पंजाब की जी अहदेदारी खत्म करती, किमें चंडीगढ़ के विचों पंजाब नूं खत्म कर रहे हैं, हौली हौली एक एक करके पंजाब के हक नूं खो रहे ने। पर साडे लोग कित्थे सुत्ते पए आ यार, असीं आपस में लड़ी जन्ने जुत्तों जुत्ती होई जन्ने आ, आपसी अं धड़े बनाई बैठे, छड़ दिओ भाई धड़िया नूं, भुल जाओ जिहड़े बखरेवे आ। अज पंजाब नूं बचाउण लई सानूं इक होण दी लोड़ है। सरदार बलदेव सिंह सरसा भी साडे नाल ने। सरसा साहब एड्डा बड़ा धरना प्रदर्शन हो गया, तुहानूं लगदा कि हुण कोई असर इन्हां दे उप्पर होवेगा? तुसीं कई दिनां जरूर होगा और इन्हों नानी सुखने याद करा देंगे, इस करके इन्हों मजबूर होना पाएगा कि ये जिन्होंने किताबा लिखिया उन्होंने जिन्हें प्रवानगी दी उन्होंने किस तरीके दे नाल परचे होंगे ने सब कुछ करना पेगा, किताबा तो रोक लगेगी, अगला इतिहास जोड़ा उस सही ढंग लिखा जाए। अच्छा एक चीज़ होर देखो जी, हुण लोग अपने आप इदा के धरने प्रदर्शन से आने लग गए, पहला लोगों को लियाना पैंदा सी, ये लगता कि पंजाब जागरूक हो रहा जी? कोई शक है जेड़े दिल्ली तख्त पर बैठे मोदी की धौन चो किला कड आए उन्होंने वास्ते पंजाब कड़ी गल है? पंजाब के आ जे अधिकारी ने आ चेयरमैन शेयरमैन जोड़े ने ये किस विभाग की मूली ने यार? तो इस तो बाद अगला कार्रवाई की रहने वाली है? ये सारे नाल सलाह करके फिर होएगा, असी ये पड़ताल चल रही है, मैं सारा कुछ तुम स्टेज तो बोलाँगा उदो मैं तुम्हें दस दूँ। साडा कानून बड़ा संविधान बड़ा लचीला है भावे, पर इन्ना भी खुल किसी को नहीं दी गई कि जो मर्जी कर ले कोई, पर गल ये है कि जिन्हें ने सज़ा देनी आ हुण तुसीं अंदाजा ला लो भी एक किताब के उत्ते इन्वेस्टिगेशन हो गई, 20 आदमी दोषी पाए गए, हजे तिकर उन्होंने कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने FIR लॉज नहीं हुई, उन्होंने जेल च नहीं भेजा गया। जे उन्होंने जेल च भेज दिता जाता अगर उन्होंने डर पवे कि सानू जेल जाना पेगा तो मेरा ख्याल है एक भी शब्द गलत लिखने तो पहले अगला 1000 बारी सोचेगा। अगर उन्हें लिखता तो जो जेल जाता दिसिया वो फट बोलेगा मैं तो फलाने ने लिखवाया से। तो साड़ी हुण भी मंग है कि इनू हजे इन्वेस्टिगेशन दरियादली करवावे सरकार, खुल दिली करावे और सही बरीकी च इन्वेस्टिगेशन हो ताकि आप असल मुद्दों के असल गुनाहगार लोगों तक पहुँच सकिए। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।